हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला, ठाणे, नागपुर, पुणे यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। यहाँ हमारे हॉस्पिटल्स है। मनोरुग्ण तथा व्यसनी लोगों को हम बिना रिश्तेदार भर्ती करते हैं और रिश्तेदारों के साथ में भी भर्ती करते हैं। ठाणा में हमारा हॉस्पिटल नए जगह पर शिफ्ट हो रहा है। बड़ी जगह है, नई जगह है। मैं आपके साथ में सामने आ रहा हूं आज एक केस स्टडी लेके, और एक जिसमें एक कपल मेरे पास में आया। हस्बैंड काफी डिस्टर्ब है, वाइफ भी काफी डिस्टर्ब है, और मतलब दोनों को नींद नहीं आ रही, खाना नहीं जा रहा बराबर, उनको प्रॉब्लम है। उन्होंने क्या पूछा, उनको क्या प्रॉब्लम क्या है, तो उन्होंने प्रॉब्लम बताया कि देखो डॉक्टर साहब, बोले हमारे घर में हमने एक पेइंग गेस्ट रखा। वो पेइंग गेस्ट अलग जात का पेइंग गेस्ट है, हमारे समाज का भी नहीं है। मैं उनको पेइंग गेस्ट करके एक कमरा हमारा था, अटैच लैट्रिन बाथरूम था, वहाँ रखा कि ताकि हमारा इनकम चालू हो जाएगा। और धीरे धीरे हुआ क्या कि ये जो आदमी है वो काफ़ी बाहर रहता था, तो ये जो इसकी वाइफ है इसके साथ में उसकी रिलेशनशिप बन गई। अब ज़्यादा वो वहाँ रह रहा है, उसको वो सपोर्ट कर रहा है, इमोशनली सपोर्ट कर रहा है, बातचीत कर रहा है, समझ ले रहा है, उसकी रिलेशनशिप बन गई। और उसने वो अपने हस्बैंड के साथ में शेयर भी किया कि अभी मैं जाने अनजाने में ये आदमी के साथ में जुड़ चुकी हूँ और मैं बहुत ही मतलब उसके साथ में मेरा लगाव है, मैं छोड़ भी नहीं सक रही। अभी हस्बैंड के सामने चॉइस था कि वो उसकी खुद की औरत जो पेइंग गेस रखा है उसको छोड़ नहीं रही है, बोलती है मेरे को उसके साथ में रहना भी है, संबंध भी रखना है, सेक्सुअल रिलेशंस भी है, और हस्बैंड के साथ में वो रह रही है क्योंकि बच्चे हैं। काफ़ी सारी फैमिलीज में ऐसा है और औरतें बोलती है कि नहीं बच्चे हैं ना करके मैं यहाँ रह रही हूँ, नहीं तो मैं रहती नहीं थी। या हस्बैंड बोलता है कि नहीं ऐसा हमारा अभी संबंध बिगड़ा हुआ है या ऐसी रिलेशनशिप में हम फंसे हुए हैं कि बच्चे हैं करके हम साथ में रह रहे हैं, नहीं तो हम रहते नहीं थे, बच्चों के लिए रह रहे, तो बच्चों के लिए साथ में थे। दोनों को मालूम था और वो आदमी तीसरा उसको मालूम था, बाकी किसको मालूम नहीं था। अभी इसके सामने चॉइस है, ये पहले वाले हस्बैंड के सामने, कि अभी रिलेशनशिप कंटिन्यू करना, करने देना या डाइवोर्स लेना। उसने तो देखिए गौर से सुनियो, उसने सोचा कि नहीं अभी मैं समझो ये रिलेशनशिप तोड़ता हूँ, मैं डाइवोर्स लेता हूँ तो बच्चों का क्या होगा, वैसा भी मैं काफ़ी सारा बाहर रहता हूँ, पत्नी को सुख देता नहीं हूँ, और वो है सपोर्ट करने वाला। चॉइस उसने ये किया कि जो चल रहा है वो चलने दो। मगर हुआ क्या कि कुछ दिन के बाद में एक क्या होता है कि अपने को जो अंतर्मन रहता है अपने को खाते रहता है अंदर से, उसको लगा ये ठीक नहीं हो रहा है, परेशान अंदर से अंदर हो रहा है कि मैंने उनको परमिशन तो दे दिया, अपने वाइफ को परमिशन तो दे दिया कि चल जो चल रहा हो चलने दे, क्योंकि अभी वो बोलती मैं छोड़ नहीं सकती उसको, उसको आपने यदि निकाल दिया ऐसे पेइंग गेस्ट तो मैं जान दे दूंगी, तो एक तो जान दे देंगी नहीं तो डिवोर्स दे दो, बच्चों का क्या होगा। फिर ठीक है चल जो चल रहा हो चलने दो, बाहर आवाज मत करो, लोग क्या बोलेंगे, लोगों को मालूम हुआ तो लोगों को मालूम हुआ, सवाल ही नहीं आता क्योंकि चुपके चुपके सब चल रहा है, पेइंग गेस्ट है, बाजू के कमरे में रहा है तो किसको मालूम भी नहीं है, लोगों को लगता है कि नहीं है भाई है वे दूर का रखा है पेइंग गेस्ट, तो लोगों को मालूम नहीं है, सोसाइटी में किसको मालूम नहीं है, और इनका मस्त चल रहा है। मगर हुआ क्या कि अंदर से अंदर दोनों भी डिस्टर्ब होते गए। वो जो अंदर वो एक जो गिल्ट फीलिंग रहता है, एक जो अपने संस्कार रहते हैं उसमें जो उसमें से जो गिल्ट फीलिंग आता है कि नहीं मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक नहीं कर रहा हूँ, अंदरून उसका जो मतलब अपना जो बिलीफ सिस्टम भी रहता है कि नहीं ये अपना विश्वास रहता है कि मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ, दोनों को अंदर से खाते रहा। वो तो आदमी बिना शादी का है, उसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो मजे कर रहा है, मगर इनको दोनों को प्रॉब्लम हो गया, नींद खराब, खाना नहीं चलना, दोनों के आपस में संबंध ठीक नहीं रहे, जो रिलेशनशिप थोड़ी बहुत भी थी वो भी खत्म हो गई, सेक्सुअल इंटरेस्ट खत्म हो गया, और अभी रह रहे एक छत के नीचे मगर ऑलरेडी डाइवर्स आए, इसलिए कि डॉक्टर साहब अभी ने क्या करना। मैंने बोला चॉइस आपका है, ये सब आप पहले जवाबदारी लो, जिम्मेदारी लो कि ये कॉज किसने किया। अभी आपके ब्रेन पैटर्न्स बने हुए, एक बार वो ब्रेन पैटर्न बन जाते हैं, जैसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो है ना OCD, उसमें ब्रेन पैटर्न बन जाते हैं। वैसे इसके अभी ब्रेन पैटर्न बने हुए, वो लेडी अभी बहुत अटैच हो चुकी है उसके साथ में,
उसको निकाल दिया तो वो बोलती मैं मर जाऊंगी, मैं खुदकुशी कर लूंगी। डिवोर्स भी लेने को वो तैयार नहीं है, बोलती नहीं मेरे को तो यहीं रहना है बच्चों के लिए। अभी उसके ब्रेन पैटर्न इतने बन गए, जैसे लत लग जाती है शराब की या सिगरेट की या और कोई कुछ बात की, अभी उसको ये लत लग गई। अभी उसका इलाज करना है तो उसकी तैयारी होना जरूरी है। तो उसकी वाइफ बोली ठीक है मैं तैयार हूँ, क्योंकि मुझे मुझे पहले संवरना है, अभी मुझे लग रहा है कि ये ठीक नहीं है, मैं छोड़ नहीं सकती, मगर आप मुझे कुछ सपोर्ट करो, कुछ हेल्प दो। मैंने ठीक है भाई, एक होता क्या है कि OCD जो है ना, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, तो एक उसका वेरिएंट हो सकता है कि भाई बार 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 उसके विचार आना, बार बार वो आदमी के विचार आके उसके साथ में जाके बैठना, बार बार बात करना, फोन पे बात करना, तो एक उसके सिवा जमता नहीं है। नहीं तो जैसा शराब का विड्रॉल आता वैसा विड्रॉल आ रहा है उसको। मतलब भाई मैं तुमको दो तरह से इलाज करूँगा, एक तो सम्मोहन उपचार है, हिप्नोसिस है, जिसमें विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करके आपको धीरे 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 वहाँ से एवर्शन निर्माण करना पड़ेगा, और दूसरा है मेडिसिन्स, कि जिसके वजह से मतलब आपको हो रहा है कि भाई बार बार विचार आ रहे हैं, तो उसकी मैं आपको दवा दूंगा ताकि आपके विचार ख़त्म हो जाएगी। दोनों ने इलाज चालू किया, काउंसलिंग भी करते रहे, सम्मोहन उपचार भी, हिप्नोसिस भी है, और धीरे 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 वो औरत बाहर आ गई। उनको मैंने बोला कि आपको जो भी कुछ करना है पहले वो आदमी को आपको बोलना पड़ेगा गुड बाय, कि जब तक वो वहाँ रहेगा तब तक जमेगा नहीं। निर्णय आपका है, मैं तो मेरा काम है आपको सजेशन करना, निर्णय आपको लेना है। क्योंकि साइकोथेरेपिस्ट जो है, काउंसिलर जो है, वो कभी निर्णय बताता नहीं है, वो बोलता है कि भाई सजेशन दे सकता हूँ मैं एट द मोस्ट, निर्णय आपने लेने का है। दोनों भी बहुत खुश होकर निकल गए थे। बाद में मुझे मिले, बोले अभी एक 1.5-2 महीना हो गया होगा, बाद में मुझे मिले, बोले कि बहुत अभी अच्छा चल रहा है हमारा, थैंक यू वेरी मच करके निकल गए। काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे कि जिनको ये प्रॉब्लम होगा आपको मालूम नहीं है, आपके संपर्क में होंगे, जरूर ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, ताकि ऐसे जो लोग अंदर से सफ़र कर रहे हैं ना, वो ठीक हो जाएगी, उनको मन शांति मिलेगी। आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, और जो बेल का आइकॉन आता है ना, वहाँ भी उसको हिट करो, ताकि मेरे वीडियो सबसे पहले आपको आते जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।